नाजिम मेरे आलमी शोरे आपता है, आज उनको दी गई है कि साहब वो निजामत भी करें। बहरहाल उन्हीं की नजर करता हूँ। चार अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हो, क्या कहने हुजूर? अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हो, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर भी पढ़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हो, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर भी करते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। क्या बात है! अच्छा, ये बात भी हकीकत है कि जब ज्यादा शायर हो, वक्त की पाबंदी हो, तो उसमें ये होता है कि जब शायर ज्यादा पढ़ना चाहता है, कभी कभी मौका मिलता है, जिसको तो बड़ा वक्त लेता है। दुबई में भी ऐसा ही हुआ कि 10 बजे का वक्त आखिरी था, उसके बाद भी डिनर आखिर में था, लेकिन एक शायर थे जिन्हें पहली बार ही माइक मिला या उनको पहला चांस था कि उन्होंने माइक नहीं छोड़ा, और उसमें से पब्लिक में से लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन एक साहब ने जो जुमला कहा उस वक्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके उनका जुमला जो था, देर तक माइक पर खड़ा रहना, उस जुमले को चार मिसरों में सुने हमला था। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज़्म लंबी उसने लंबी कार में, एक घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज़्म लंबी उसने लंबी तान में, एक घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। और देखे तारुफी चार मिसरे और सुन ले। मेरे वालिद मोहतरम 90 साल की उम्र, चार किताबें उनकी माशाल्लाह मंजर आम पर, और ये मैं चार में अपना तारुफ इसी तरीके से आपकी नजर करता हूँ। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। क्या बात है, क्या बात है! मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे, और जिस फन को चुरा कर दोस्तों अशार कहता हूँ, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या बात है, क्या बात है! चार मिसरे और सुने मुलादा फरमाइए। ये भी तारुफ दे रहा हूँ अपना और अपने जरा सा बच्चों का भी। एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। और अब मुशायरे हो गए हैं, मुशायरों के हवाले से मतलब पेश कर रहा हूँ एक शेर के। शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। चमचा, अच्छा, बहुत पुरानी कहानत देख के, पहले चांदी के चमचे, इस तरीके से वो नजर पहुंची वहां तक, तो चार मिसरे बुलाकर फरमाए नहीं था। क्या इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत, तो उनकी बांधी है। क्या कहने झंझट साहब! अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत, तो उनकी बांधी है, पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। क्या बात है! अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत, तो उनकी बांधी है, पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की। अब चमचों की रोज चांदी है। झंझट
ये के तखल्लुस उसका असर ये कि जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। सूरत उतरा, उतर के बाहर निकला, बैग बैग सब हाथ में था, तो बाहर नजर पड़ी एक कार पर, हर कार को देखता था कि लेने के लिए आए हैं, लेकिन एक कार सामने से गुजरी, बड़ी खूबसूरत कार थी। हर कार गाड़ी के पीछे कोई ना कोई स्लोगन लिख देते हैं लोग, तो उस गाड़ी के पीछे एक स्लोगन लिखा था, अच्छा सा तेरे सावन को आने दो। अच्छा लगा पढ़ के, मैं पढ़ ही रहा था खूबसूरत सी गाड़ी की, सावन को आने, तो पीछे से बहुत खतरनाक ट्रक आया, उसे एकदम जोरदार टक्कर मारी पीछे से आके। मैंने जब ट्रक को पीछे से पढ़ा तो उसमें लिखा था आया सावन झूम। हम जहां जाए वहां लफड़ाना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ाना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ाना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब लहदा फरमाए सर्दी का मौसम, अब मजबूरी ये कि आजकल तकलीफें भी है। चार मिसरे मुलाजा करें सर्दी के मौसम की, कब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और लहदा फरमाई ये भी के एक तजवीन पेश कर रहा हूँ, एक गाने का मिसरा है दिलीप कुमार साहब की फिल्म का, के नैन गड़ गई है तो मनवा मकसा कोई भी करी, प्रेम का छुट्टी पटाखा तो धमक हुई भी, प्रेम का छुट्टी पटाखा धमक। अब तीन मिसरे लगे हैं मुलाजा फरमा के, थाम कर हाथ जो धनों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धनों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक हुई बे करी। थाम कर हाथ जो धनों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक हुई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुट्टी पटाखा तो धमक हुई बे करी। पहले शरीफ से हाजिर हुआ तो एक देवबंद से मौलवी साहब मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, मौलवी बताए हैं वो, तो मुझे लगा के कुछ मसला भी पूछ लिया जाए, फायदा उठाया जाए, दोस्त है मेरे, तो मैंने उससे एक मशवरा पूछा कि नजरत एक मशवरा कि जी पूछिए। मैंने पूछा उनसे कि अगर आदमी वजू में हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाती है। एक मुझे ख्याल था मेरा, तो मैंने पूछा कि अगर मौलाना आदमी वजू से और गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी। मौलाना बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे। फिर से सुनाइए साहब, सब लोगों की फिर से सुनाइए। बस में था आगे खड़ा एक दिल डूबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल डूबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल डूबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देखे उसने गाल पर थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। देखे उसने गाल पर थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। और देखिए मुलाजा फरमाए चार मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ इसी हवाले से कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, बच्चे बड़े तेजी से जवान हो रहे हैं। और मेरे भी एक दोस्त है, उन्होंने कहा मुशायरों के हवाले से मेरी बेटी का रिश्ता देखिए। अब मैंने कहा आपने इतने दिन हो गए हैं, आपने कह रहे सामने तो चप्पल गिर दी, रिश्ता नहीं मिल पाया, झंझट साहब आप कोशिश कीजिए। और उसके बावजूद मैंने उनको मशवरा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर इंटरनेट से बड़े रिश्ते शादी होते हैं। जब ये कहा तो मेरे ख्याल आए तो चार मिसरे सुने, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ताए दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ताए दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और देखिए एक और तस्वीर पेश कर रहा हूँ, मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब
बहुत मशहूर शेर हुआ है, संसद में नेता लोग पढ़ते हैं कि जब्र भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, तीन मिसरे मुतादा फरमाए इसमें कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल करता हूं मैं अब्दुल रहमान की जानिब से कमेटी के। अच्छा, एक तो ट्रस्ट जिन्होंने इसको तावील किया, हम सबके मौसिन एकता ट्रस्ट के बानी के फर्जन, अभी अभी उनकी तशरीफ आवरी हुई, जोरदार तालियों से आप। अच्छा, ये हुआ ये कि साहब ईद की नमाज का वक्त ऐसा होता है कि उसे देर से यूं रखा जाता है तावील से, क्योंकि उसमें होता है कि पूरे महीने की मेहनत होती है, और उसमें ये होता है कि साहब सब बा जमात अदा कर ले। हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त था, इस वजह से कि सब लोग इबादत कर पूरी इबादत करते हैं, सब बा जमात अदा कर ले। मेरी साथ भी ऐसा हुआ कि देर से आके ली और मैंने भाग के, उसके बावजूद भी लोग भाग के पकड़ते हैं, मजबूरी समझ लीजिए या कोई फितरत हमारी, कि उसके बाद भी ये ख्याल रखते हैं कि साहब हम पहुंचेंगे जब भी नमाजों की, लेकिन वक्त था तो दब खड़े, मैंने भाग एहसास हुआ कि दो लड़के बड़ी तेजी से भाग गया है, उनकी दो एक रकत निकल गई थी, बड़ी तेज भाग गया, उनका सांस फूल रहा, बहुत हालत खराब उनकी। और हुआ ये जब नमाज मुकम्मल हुई और उसके बाद रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, उसके बाद सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया। नमाज मुकम्मल होने के बाद दोनों आपस में गुफ्तगु कर रहे थे, तो मैंने भी सुनी, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, मैं दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। अच्छा, मैं उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार लगता है, वक्त की नजाकत, माहौल के हिसाब से गोश्त पे पाबंदी, और गोश्त की पाबंदी का मकसद ये कि बहुत परेशानी, गोश्त सब कोई परेशानी, लेकिन मेहमान नवाजी नहीं हो पा रही है, कि मेहमान नवाज, मेहमान को क्या किया जाए, मेहमान नवाजी नहीं हो पाती, लेकिन इससे फायदा भी हुआ। सज्जाद भाई वहां के ब्राह्मण तो बेचारे भूखे मर गए। लेकिन हाँ, वैसे तो ब्राह्मण ही ने मेहनत करा दिया गोश्त के, ब्राह्मणों की मेहरबानी है कि गोश्त पर पाबंदी लग गई, वरना तो हम तो काम चला लेते हैं। बहरहाल ये समझिए कि उससे मुझे ख्याल आया कि मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं हो पा रही है, तो चार मिसरे मुतादा फरमाए कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओं नाम नहीं है। क्या कहने, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओं नाम नहीं है, है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत, अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अच्छा, उस वही के उसके बावजूद मेहमान, और मेहमान की खातिर की खिदमत और उसकी खाने के लिए ये किया मैंने के साथ मेरे मेहमान आए, तो मैंने उसी से मुतालिक किए गए एक चीज होती अंडा करी, तो मैंने अंडा करी, मैंने कहा ये इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा है, तो मैंने उनके सामने अंडा करी पेश की, और फिर अंडा करी को देख के थोड़ा सा मैंने उनके चेहरे के तासुरात देखे, तो या तो एसिडिटी बनती थी या वो पसंद नहीं था, मुझे बड़ा अच्छा बुरा लगा कि यार इतनी मेहनत से इतनी वापस से अंडा करी पेश की, और लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, इनके चेहरा बता रहा है। लेकिन अब उस वक्त मेरे चार मिसरे हुए हैं, बुला जा भाई कि अंडा करी को देख कर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देख कर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात, झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। दोस्तों, सच तो ये है